नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में हम लोग तू जाने ना गिटार लेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो अब तक पढ़ा है, इतने सारे गिटार कॉर्ड्स, इतने सारे गिटार के स्केल्स, एक्सरसाइजेस, जितने भी हमने कुछ बोरिंग चीज़ें पढ़ी थी, वो सब जरूरी है आप लोगों के लिए, बट वो सब बोरिंग थी। तो हम लोग आज तो कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि हैं गानों के लेसन। तो हम लोग जितने भी हमने नॉलेज अब तक गेन करी है गिटार के स्केल्स से, कॉर्ड्स से, इन सब चीज़ों से जितनी भी हमने नॉलेज गेन करी है, उसका हम लोग अब अप्लाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि बिना किसी एप्लीकेशन के हम लोग अगर पढ़ते रहे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो आज से हम लोग गिटार के गानों के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। हम लोग आसान से स्टार्ट करके हार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो जो बोरिंग काम था वो ख़त्म हुआ, हमें उस सब उसको याद रखना, उसे भूलना नहीं है। तो हम उस बोरिंग काम से आगे अब इंटरेस्टिंग काम पर आ जाते हैं, खुद के गाने बनाना भी शुरू करेंगे हम लोग कुछ समय बाद। तो फिलहाल हम लोग एक गाना देखते हैं जो है तू जाने ना, अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी से, जो गाया आतिफ असलम जी ने, ठीक है दोस्तों? तो ये गाना बहुत ही मेरे हिसाब से आसान है, और मैंने इस सॉन्ग को इसलिए चुना है क्योंकि आसान है। और भी आसान सॉन्ग है, जैसे कि पापा कहते हैं, गिव मी सम सनशाइन, ये सब आसान सॉन्ग है। ये गाना मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत सभी लोगों ने सुना होगा, और ये थोड़ा आशिक वाला सॉन्ग है, तो जिसके भी दिल टूटा होगा सबको ये गाना याद जरूर होगा, ठीक है दोस्तों? तो इसलिए मैंने गाना सुना है। तो हम लोग इस गाने की कॉर्ड्स, स्ट्रमिंग और रिदम सीखेंगे इस लेसन में, ठीक है दोस्तों? तो शुरू करते हैं गिटार की कॉर्ड्स से, ठीक है दोस्तों? तो जो इस गाने में जो कॉर्ड्स यूज हुई हैं, वो है 6 कॉर्ड्स यूज हुई हैं, जो कि है जी मेजर। आप मेरी सारे मेजर माइनर कॉर्ड्स के लेसन मेरी सीरीज में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है दोस्तों? तो एक हमें चाहिए जी मेजर, हमें चाहिए ई माइनर, हमें चाहिए ए माइनर, हमें चाहिए डी मेजर, हमें चाहिए सी मेजर, और हमें चाहिए बी माइनर, ठीक है दोस्तों? ये 6 कॉर्ड्स हमें चाहिए। दोबारा से देखते हैं कौन कौन सी हैं। जी मेजर, E माइनर, A माइनर, C मेजर, D मेजर और B माइनर। आप इसे ऐसे बजा सकते हैं, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से बार कॉर्ड से, या फिर नॉर्मल तरीके से, ठीक है दोस्तों? तो ये जो B माइनर कॉर्ड है, इस सॉन्ग में थोड़ी मैं कहूँगा कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बजा सकते हैं, नहीं तो इसे D से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जहाँ पे B माइनर आ रहा होगा वहाँ आप D बजा सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा साउंड में फर्क पड़ जाएगा। बट आप अगर खुद से बजा रहे होंगे, खुद से गा रहे होंगे, तो कुछ नोटिस नहीं कर पाएंगे आप ज्यादा, ठीक है दोस्तों? क्योंकि बार कोड है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, नहीं तो आप बी माइनर अगर बजा सकते हैं तो इसे जरूर बजाएं, ठीक है दोस्तों? तो ये 6 कोड हमें करनी है, जी मेजर, ई माइनर, ए माइनर, सी मेजर, डी मेजर और बी माइनर, ठीक है दोस्तों? आप दोबारा कह रहा हूं मैं, आपको अगर कोई भी दिक्कत है इन कोड्स को बजाने में, तो आप मेरा एक बार फिर से पुराने लेसन चेक कर सकते हैं, जहां पे मैंने इन सब कॉर्ड्स के बारे में बताया है, ठीक है दोस्तों? तो ये हमारे गाने का हमें पता लग गया कॉर्ड्स थी। तो अब हम गाने की शुरुआत के बारे में बात करते हैं कि हमारा गाना शुरू किस कॉर्ड से होगा। तो ये जो हमारा गाना है वो जी मेजर कॉर्ड से शुरू होगा, ठीक है दोस्तों? तो हर गाना जो होता है एक स्केल में होता है, जैसे ये गाना जो है वो जी मेजर स्केल में है, तो उसी स्केल से हम लोग उसकी कॉर्ड्स निकालते हैं। तो जैसे ये गाना जी मेजर स्केल में अगर हम देखें तो स्केल सीखा था, तो जो जी मेजर स्केल है, जैसे गाना जी मेजर स्केल में है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो सा होगा इस गाने का वो होगा जी, यानी कि जी मेजर कॉर्ड हम लोग बजाएंगे उसके लिए, ठीक है दोस्तों? जहां भी हम लोग सा देखेंगे इस गाने में, उसे जी मेजर कॉर्ड से हम लोग बजाएंगे। ज्यादातर सॉन्ग्स में ये होता है कि जो भी हमारा स्केल होता है वही हमारा पहला कॉर्ड होता है गाने का, यानी कि सा होता है, ठीक है दोस्तों? बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गाने में ऐसा ही हो, क्योंकि गाना ऐसा भी हो सकता है जो जी मेजर स्केल में हो लेकिन उसकी शुरुआत ई माइनर से हो रही हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों? ये कोई ऐसा रूल नहीं है स्पेसिफिक, फिर भी हम लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे मान लो कोई गाना जी मेजर स्केल में है, तो हम लोग पहले बजा के देखते हैं कि ऐसी रिदिम हो सकती है, और फिर गाने को सुन के उसकी कॉर्ड्स निकाल के देखते हैं, ठीक है दोस्तों? मैं इस चीज में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही अलग टॉपिक है, हम लोग इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे आगे। तो फिलहाल यही है कि हमारा जो हम लोग जो पहली कॉर्ड होती है गाने की, उसे कहते हैं की ऑफ द सॉन्ग, ठीक है, या फिर सा ऑफ द सॉन्ग।
सा का मतलब होता है गाने का स्केल का पहला नोट, यानी कि सा, जहाँ पे हमारा एक तरीके से कह दीजिए कि वो होम है, घर है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जी मेजर स्केल यानी कि जी मेजर कॉर्ड से स्टार्ट होता है। इसके बाद जो स्केल में जो कॉर्ड्स होती हैं, कौन सी कॉर्ड्स होती हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये जान लेना जरूरी है कि अगर ये गाना जी मेजर में है तो स्केल में है तो हम लोग उसमें जी मेजर से रिलेटेड कॉर्ड्स लगाएंगे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसका स्ट्रमिंग पैटर्न, हमें स्ट्रमिंग कैसे करनी है। तो हमने अपने स्ट्रमिंग पैटर्न के लेसन में पढ़ा भी था कि स्ट्रमिंग गाने की बीट्स को डिफाइन करती है और गाने की रिदिम को भी डिफाइन करती है। तो अब जैसा मैंने इस तरीके से कहा है तो एक भी गाने के कई स्ट्रमिंग पैटर्न भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमने खुद के लिए बनाया हो कि हम लोग दोस्तों के साथ गा रहे हैं तो हम लोग अलग तरीके से बजा के गा सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल गाने के लिए बने हों, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़े आसान हों, और कुछ में ज़्यादा हम लोग हाथ के वेरिएशन मिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस गाने में मैं आपको 2 से 3 स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगा वो बजा सकते हैं, एक थोड़ा हार्ड है और एक सबसे आसान। तो हम लोग सबसे पहले सबसे आसान वाले की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। वो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। क्या करना है, डाउन 5 स्टेप्स प्ले करने हैं जो कि है डाउन, जैसे आपने डाउन एंड करा फिर वहीं से अप, फिर दोबारा हाथ नीचे कर, फिर उससे अप, ठीक है दोस्तों। फिर जैसे आपने आप सेकंड अप खत्म करा फिर यहां से डाउन, फिर हाथ ऊपर लाकर फिर से डाउन, ठीक है दोस्तों। थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रमिंग समझना कुछ कठिन हो सकता है, कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दोबारा से देखते हैं, डाउन यहीं से अप, फिर अप, फिर यहीं से डाउन, फिर यहां से डाउन, ठीक है दोस्तों। दोबारा से इसे और धीमा करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। डाउन अप, अप डाउन, डाउन डाउन अप, दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न है वो थोड़ा हार्ड करके है, थोड़ा सा कठिन है उसे बजाना, फिर भी हम लोग देखते हैं एक बार वो कैसा है, ठीक है दोस्तों। जरूर नहीं आप बजाएं, पहले वाला भी स्ट्रमिंग पैटर्न बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार देखते हैं कि वो कैसा साउंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ तेज है और थोड़ा सा हार्ड है, तो एक बार फिर से देखते हैं। स्ट्रमिंग पैटर्न है, अगर हम अपने स्ट्रमिंग वाले लेसन की बात करें तो उसमें मैंने एक 16 स्ट्रोक्स वाला आपको एक्सरसाइज बताया था, ये बिल्कुल उस पे ही बेस्ड है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा उस पे ही बेस्ड है। हम लोग देखते हैं कैसे करना, हम लोग इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले एक डाउन स्ट्रोक, उसके बाद एक अप स्ट्रोक जो कि फिलर की तरह काम करेगा, यानी कि ये जो फिलर होता है वो हल्का नोट हल्का सा स्ट्रम होता है, जिसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं होती और हाई स्ट्रिंग पर हल्का सा बजाता है, उसे बेस स्ट्रिंग पे बजा सकते हैं तो हल्का सा बजाता है जो कि ज्यादा साउंड नहीं करता, तो ये फिलर की तरह काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, डाउन स्ट्रोक, फिर एक अप स्ट्रोक हल्का, फिर एक डाउन स्ट्रोक, फिर एक हल्का, फिर एक अप स्ट्रोक फुल, ठीक है दोस्तों, तरीके से 1 2 3 4 1 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक डाउन स्ट्रोक बेस स्ट्रिंग्स पे, एक अप स्ट्रोक दोबारा से फिलर की तरह बजाना है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद एक डाउन स्ट्रोक फिर से पूरा। तो अब तक का जो हमारा बन गया स्ट्रमिंग पैटर्न वो है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से फास्ट में साउंड करेगा,
डाउन स्ट्रोक बाद एक अप स्ट्रोक, एक डाउन स्ट्रोक और एक अप स्ट्रोक, ये भी सब फिलर की तरह ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद एक बार अप स्ट्रोक यानी कि डाउन अप, डाउन के बाद अप डाउन अप, ये तीन हमारे फिलर्स बजेंगे। उसके बाद एक हैवी डाउन, फिर एक अप और फिर एक और हैवी डाउन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा जरूरी है क्योंकि हार्ड है इसे बजाना। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा से देखते हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो अब यहाँ पे भी आपने देखा होगा हमारे कुल पांच स्ट्रोक्स हैं, लेकिन एक स्ट्रोक बदल गया है, यानी कि मेन जो स्ट्रोक्स हैं हमारे डाउन अप डाउन 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 ये है, जबकि हमारे पहले में कहते हैं डाउन अप डाउन डाउन। ठीक है दोस्तों, आप उस डाउन को अपसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा से देखते हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो दोस्तों हमने देख लिए इसके कॉर्ड्स और स्ट्रिंग पैटर्न्स जो दो थे। एक तीसरा स्ट्रिंग पैटर्न आप ये भी लगा सकते हैं, डाउन डाउन अप अप और डाउन। ये आप तब यूज करें जब आप दोनों में से कोई भी प्ले ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक स्ट्रम पैटर्न हो सकता है, बट आप पहले वो दोनों प्रैक्टिस करें उसके बाद आगे का सोचें। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न देख लिया, उसके कॉर्ड्स देख ली। अब तीसरी चीज महत्वपूर्ण चीज है गाने की, वो है इसके रिदम। तो हमने गाने के स्ट्रम पैटर्न, मैंने क्या कहा था, रिदम भी डिफाइन करता है। तो कैसे डिफाइन करता है, हम लोग गाने की कॉर्ड्स और स्ट्रम को दोनों मिलाते हैं तभी वो रिदम बनती है। कैसे, मैं एक ही स्ट्रमिंग बजा बजा के कॉर्ड्स को शिफ्ट करूंगा इस तरीके से, तब जाके गाने की रिदम बनेगी। तो गाने की रिदम देखते हैं हमारी क्या है। तो शुरुआत की जो लाइन है, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें, उसमें हमारी चार कॉर्ड्स होती हैं, जो कि है जी, ई माइनर, ए माइनर और डी। ठीक है दोस्तों, तो रिदम कैसे होती है, फिर आगे की लाइन में भी सेम, दोस्तों तो ये चार कॉर्ड हमें यूज करनी है। उसके बाद क्या होता है, तू जाने ना, उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, जी ना डी, फिर दोबारा से ना, फिर बी माइनर। ठीक है दोस्तों, तो ये शुरुआत का जो कोरस था उसका पार्ट है, हमें कौन कौन से यूज करनी है। पहली रिदम हमारी जी, ई माइनर, ए माइनर और डी, और दूसरी रिदम हमारी जी डी जी, और तीसरी है जी डी जी और बी माइनर। ठीक है दोस्तों, ये तीन रिदम आपको याद रखनी है इसके कोरस को प्ले करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बात आती है वो हमारा मुखड़े की। तो उसमें हमारी ये इस तरीके की कुछ रिदम यूज होती है, मिलके भी जी हम ना मिले, डी तुमसे ना, ई माइनर, जाने क्यों, डी मेजर। ठीक है दोस्तों, जी डी ई माइनर डी, फिर अगली जो लाइन है उस पर क्या होता है, मी मिलो के जी, अगली लाइन में सी ना, फिर उसके बाद ए माइनर, फिर डी। ठीक है दोस्तों, ये दो रिदम्स हो गए इस लाइन, इस मुखड़े में यही दो रिदम आगे की दो लाइनों में कंटिन्यू होंगी। उसके बाद जो एंड हो जाएगा इस मुखड़े का, उसमें भी सेम, कैसे बताएं कि तुझको चाहे चलता है, तो हमारी जो शुरुआत में जो रिदम लगी थी वही रहेगी। तो जो हमने दो, जो हमने चौथी पांचवी रिदम देखी वो है हमारी जी डी ई माइनर डी, और जो पांचवी हमारी जी सी ए माइनर और डी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की रिदम है इस गाने की। अंतरे में जो हमारा आती है वो रिदम है जी डी ई माइनर डी जी
फिंगर डी, ठीक है दोस्तों, और बाकी की सेम रहती है विदिन।